गाइज YouTube शॉर्ट्स अपलोड करने के दो मेथड हैं। एक वो मेथड है जिसको फॉलो करके अभी तक आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते आए हैं, और एक वो मेथड है जिसकी मदद से अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। वो सीक्रेट मेथड जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करके चैनल को इसी तरह की हेल्पफुल टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने YouTube की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी है और अपने शॉर्ट्स कैमरे से ही ये वीडियो कैप्चर करनी है जिसकी मदद से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। इसमें आपने शॉर्ट लाइब्रेरी का म्यूजिक भी यूज नहीं करना, अपना वॉइस ऐड करना है। यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग करता हूं और फिर इसको ओके करता हूं। ओके करने के बाद यहां से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद डिटेल्स में यहां पर जो टाइटल वाला ऑप्शन, यहां पर मैं इसका टाइटल देता हूं, लेट्स सपोज कोई भी एक टाइटल दे दिया, और उसके आगे आपने लगाना है एक हैश SHORT या शॉर्ट्स, शॉर्ट का एक हैशटैग लगाना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। यहां पर ये हैश शॉर्ट लगा दिया, और उसके बाद अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप यही हैश शॉर्ट सिर्फ लगाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाएं। उसके बाद यहां पर आपको एक विजिबिलिटी नजर आ रही है, यही वो पॉइंट है। आपने इसको यहां पर सबसे पहले अनलिस्टेड अपलोड अ शॉर्ट कर देना है। अनलिस्टेड करने के बाद आपने प्रूफ देखना है, वो आपको दिखाने लगा हूं कि कैसे आप अपने शॉर्ट वीडियोस को लॉन्ग में कन्वर्ट करके उससे वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं अपने चैनल का। दोस्तों अनलिस्टेड अपलोड करने के बाद आपने यूट्यूब स्टूडियो के मोबाइल एप्लीकेशन में इसी शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है। यहां से एडिट करने के बाद आपको प्रूफ के लिए ये वीडियो अपलोड करूंगा और उसके बाद मैं अपने चैनल से डिलीट कर दूंगा। यहां से अपने विजिबिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, और यहां पर ये जो पब्लिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार पब्लिक करके सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर के ऊपर आपने क्लिक करके यहां से बैक जाना है और इस वीडियो को आपने सेव कर देना है। अब इस वीडियो का इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको यूट्यूब की मोबाइल एप्लीकेशन पर लेकर जाता हूं, वहां पर देखें कि इसका क्या इंपैक्ट है कि ये शॉर्ट में है या लॉन्ग वीडियो शो हो रही है। यहां से हम बैक जाते हैं, यूट्यूब की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और यहां से हम अपने चैनल पर जाते हैं। चैनल पर जाने के बाद आपने वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है। वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, यहां पर देखें कि आपको एक वीडियो अपकमिंग प्रीमियर के तौर पर अपलोड होती हुई नजर आ रही है। ये उस टाइम तक प्रीमियर रहेगा जितनी आपकी वीडियो की लेंथ होगी, इसको इंस्टेंट प्रीमियर कहते हैं। गाइस इस इंस्टेंट प्रीमियर का फंक्शन ये है कि ये देखें, यहां पर ये शॉर्ट वीडियो आपको यहां पर वीडियोस वाले ऑप्शन में भी शो हो रही है, लेकिन यहां पर शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं। अगर शॉर्ट पर ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको शो होगी, लेकिन जब आप इसका एनालिटिक्स देखने के लिए वीडियोस पर जाएंगे अपने YT स्टूडियो में, तो यहां पर आप देखें कि शॉर्ट वाले सेक्शन में आपको वो शो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इससे जो वॉच टाइम आएगा वो लॉन्ग वीडियोस में कंसीडर होगा। जैसे अगर यहां पर वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर देखें कि रीसेंट वीडियो में वो आ रही है, शॉर्ट वीडियो में नहीं जा रही। ऐसे ही इसका जो वॉच टाइम होगा वो लॉन्ग वीडियो की तरह कंसीडर होगा, और आपके चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट होगा, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।